चलिए पहले चार क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, पहले 57, द एब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द इक्वेशन। तो देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है मगर यहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जब यहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो -57.1 प्लस क्यू एनर्जी होगी। तो जैसी बात है -57.1 प्लस क्यू एनर्जी होगी तो जैसी बात है कि एनर्जी कम रिलीज होगी। तो सिंपल सीधी बात है, आंसर आ जाएगा ए, लेस देन -57.133 किलो जूल पर मोल। यानी कि यहाँ पर लेस देन का मतलब है कि कम एनर्जी रिलीज होनी चाहिए इससे। तो सिंपल सीधी बात आपको समझ में आ गई, आंसर ए है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से ये वीक बेस प्रॉपर्टी शो करेगा जिसकी वजह से इसको हमें एक तरह से क्यों देना पड़ेगा, आप ऐसे मान लीजिए। इसके बाद 58 पर आ जाइए। 58 पर क्या कहता है, इफ द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस इतनी है, व्हाट वुड बी द हीट रिलीज व्हेन इतने सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इतने मोलर H2SO4। ठीक है भाई, अच्छी बात है, करते हैं। ये लीजिए 58, H2SO4 दे दिया और तुम्हें दे दिया क्या NaOH। भाई साहब कितना वॉल्यूम दिया है, 350/100 सोनी 1000 लीटर, और कितने मोलर है 0.2 मोलर। NaOH कितना है, NaOH है 650/1000 लीटर। ठीक, और कितनी मोलरिटी है 0.1। हमें तो इतनी बात पता है, एक मोल H प्लस एक मोल OH नेगेटिव मिलकर जब वाटर रिलीज करेगा तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसकी होगी -57.1। तो जाहिर सी बात है भैया, एक मोल NaOH एक मोल OH नेगेटिव देगा, तो इतने मोल NaOH कितने मोल देगा, कैलकुलेट कर लीजिए। 1 0 से 1 0 गया, 10 आ गया। तो ये आ गया आपका 65 × 10⁻³ आ गया सोल्व करने के बाद। ठीक, इतने मोल OH नेगेटिव हो गया। अच्छा, आप लोग इसे जानते हैं, इसमें क्या करना है, यहाँ से ये 0 चला गई, 1 0 से 1 0। ये था आपका 70 × 10⁻³, 35 × 70। तो अच्छा, 70 यहाँ पर 10⁻³ आ गया। लेकिन एक बात और है इस जगह पर जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है इस जगह पर कि भैया एक छोटी सी बात ध्यान समझो, एक मोल H2SO4 दो मोल H+ देगा, तो इतने मोल H2SO4 कितने मोल H+ देंगे, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये मोल H2SO4 के हैं, तो H+ के लिए 2 से मल्टीप्लाई करने पर 140 × 10⁻³। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, कोई मिस्टेक तो नहीं है, 350 × 0.2 H2SO4, 350 × 0.2, इसको मैंने 1000 से डिवाइड मारा, 1 0 से 1 0 गई, 35 × 70 × 10⁻³, और ये 65 650 था, 0.1 से 10 से गया, 65 × 10⁻³। तो देखिएगा वाटर कौन सा बनेगा, वाटर छोटे वाला ये है या ये वाला है, छोटा ये वाला है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे बाकायदा 65 × 10⁻³ से, तब जाकर के इनमें से कोई एक आंसर मैच हो जाएगा, सभी यूनिट किलो जूल में है, आप निकाल लीजिएगा। तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इस पर आपको दिमाग लगाना है और ये हो जाएगा, क्योंकि इतने मोल वाटर बनेगा क्योंकि छोटी वैल्यू ये है, और जितने मोल वाटर मिलेगा उतने से मल्टीप्लाई करके आप देख लेना कौन सा आंसर आएगा। बात क्लियर? तो इसके बाद ये था आपका 58 जो कि आसान था, बट 59 और 60 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। और ये 57 58 ये सब आप नोट कर लीजिएगा, ये बताएगा आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, इन्हें मैं समझाने जा रहा हूँ, लेकिन ये तो आप इन पर ट्राई मार लीजिए एक बार, मुझे नहीं लगता कि ट्राई मारने के बाद इतनी आसानी से हो पाएंगे। तो अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज समझेंगे आप, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ और समझेंगे, कह रहा है द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl विद NH4OH एंड NaOH इतनी और इतनी, यानी कि इन सबकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे दी, इसकी और इसकी पूछ रहा है। देखिए क्या कह रहा है, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यानी कि मुझे CH3, यानी कि मुझे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे दी 59 में, किस किस की नजर मारेंगे जरा एक बार, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप पहले खुद ट्राई कीजिएगा पोज लगा करके, ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा सॉल्यूशन। तो द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस है NH4OH, और ये मेरा क्या बन जाएगा NH4 प्लस Cl नेगेटिव विद वाटर, और इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी दे दी इसने -51.4। देन उसके बाद में क्या रहा है कि NaOH विद CH3COH, तो CH3COH प्लस में NaOH यानी कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे दी CH3COO नेगेटिव Na प्लस विद वाटर, कितनी एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन आप जान सकते हैं, इसकी एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन है 50.6। देन अब मुझसे कह रहा है बताओ वीक एसिड विद वीक बेस की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी,
मुझसे इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पूछ रहा है, ठीक, ये मुझसे पूछ रहा है। देखिए एक है हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल बड़ा ही आसान है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो -57.1 होगा, हाँ है ना, और एक स्ट्रॉन्ग एक बेस तो -51, फिर वीक स्ट्रॉन्ग और वीक वीक -50.6, अगर दोनों वीक होंगे तो उससे भी कम होगी, उससे भी कम का मतलब है -50.6 से कम वाला ऑप्शन कौन सा है, -50.6 से कम वाला ऑप्शन सिर्फ ए है, ए इज द आंसर। तो ये तो था हीट एंड ट्रायल की जैसी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, स्ट्रॉन्ग वीक उससे कम करेंगे और वीक 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 उससे भी कम करेंगे, इससे कम ऑप्शन ये है। लेकिन हम इसको हीट एंड ट्रायल के अलावा इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट ना करके अब इसको सही तरीके से करेंगे। मुझे इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन चाहिए, यानी कि मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे CH3COH, मुझे ये चाहिए NH4OH, मुझे ये चाहिए, तो मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए बताइए, मुझे HClNaOH नहीं चाहिए। तो आपको एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड मिलकर के जब NaCl बनाएंगे तो वाटर रिलीज करेंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -57.1 है। जान पूछ के तुम्हें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का डेटा नहीं दिया, क्योंकि वो चाहता है कि तुम कॉमन सेंस लगा के बताओ कि ये है। तो सिंपल सीधी सी बात क्या है, ध्यान समझेंगे, मुझे ये और ये नहीं चाहिए, मुझे HCl और NaOH काटना है क्योंकि मुझे इसकी एनर्जी निकालनी है, तो इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दीजिए। इस रिएक्शन को जब मैं उल्टा करके लिखूंगा तो HCl इधर चला गया, NaOH इधर आ गया और एनर्जी माइनस की जगह +57.1 हो गई। काटाफिटी मचा दीजिए, H2O से H2O गया, HCl से HCl गया, NaOH से NaOH गया, Na प्लस से ये गया, Cl नेगेटिव से ये गया, तो CH3CO नेगेटिव NH4 प्लस आ गया, H2O आ गया। एनर्जी कितनी आ गई इसकी, इसकी एनर्जी आ जाएगी -51.4 -50.6 +57.8 और सोल्व करोगे तो -44 हो जाएगी। तो ये था 59 क्वेश्चन जो कि मैंने आपके सामने सोल्व कर दिया। अब मैं कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 60 सोल्व। क्वेश्चन नंबर 60 पहले कोड लगा करके खुद ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, अब आगे आपको नजर रखनी है, ठीक है, देखिएगा।